हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि सीए फाइनल एक्चुअल में है क्या। तो हम सभी को पता है कि सीए फाइनल एक थर्ड स्टेज है सीए की, और उसको क्रैक करके हम सीए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि सीए फाइनल एक्चुअली मार्केट में स्टूडेंट्स और रादर टीचर्स ने क्या बना के रखा है। सबसे पहले जो ये टीचर्स बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, या फिर कुछ टीचर्स कहते हैं कि ए कैटेगरी ये है, बी कैटेगरी ये है। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे, लेकिन टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाना कम और ये चीज़ ज़्यादा करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ लो, ये कैटेगरी बी है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये कैटेगरी सी है इस पर इतना ध्यान मत दो। लेकिन सी ए फाइनल में ऐसा नहीं होता। सीए फाइनल में यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ, आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आप एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर कर पाओगे। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स वीडियोस बनाते हैं उसके बाद कि हमने जो बताया था उसमें से ये क्वेश्चंस आए हैं, हमने जो बनाया था कैटेगरी ए में से उसमें से इतने मार्क्स का एग्ज़ाम आया है। ये ऐसा मतलब जितनी देर तक चलता रहेगा उतनी देर तक, मतलब आप जितनी देर इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे उतनी देर ऐसा ही होगा आपके साथ कि मे बी आप या तो बिल्कुल मतलब उस सब्जेक्ट में 40-45 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे, और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ। क्योंकि ICAI जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ICAI आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको अपने सिलेबस की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो, आपके सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो। अब लेट अस सपोज हम अगर एक सब्जेक्ट उठाएं पेपर नंबर 7 CA फाइनल में इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें भी टीचर्स ये बता रहे हैं कि सारे नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ सारे नहीं, लेकिन उसमें भी टीचर्स ये बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ के जा सकते हो। लेकिन वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको PGPP का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ PGPP के ही, मतलब PGPP के ही दायरे में आपसे सवाल करेगा। तो सबसे पहले ये आपको ABC कैटेगरी एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ये कुछ भी नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको एक बार इन डेप्थ सारा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, जो ये बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक बुक है हमारी, शॉर्ट बुक है हमारी, वन डे रिवीजन बुक है, ऐसे ऐसे नाम चलते हैं मार्केट में। तो ऐसा मतलब आप मुझे एक बात बताओ, लेट अस सपोज आपने एक साल एक बुक से पढ़ाई करी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर थे, उसके बाद एक टीचर ने जिस टीचर से आपने कोचिंग ली हुई है उस टीचर ने आपको एक वन डे रिवीजन बुक पकड़ा दी कि ये आपने एग्ज़ाम से पहले पढ़नी है। तो भाई उससे कोई पूछे कि एक साल से मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, अब उसके बाद एकदम से, वो भी पेपर के एक दिन पहले, मैं बुक चेंज कैसे करूँ? वन डे रिवीजन पकड़ा दिया है, उसमें चार्ट्स बनाए हुए हैं कि आप ये पढ़ के जाओ, एक दिन पहले आपको ये बुक पढ़नी है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के टाइम आपको ये बुक पढ़नी है। ये मतलब थोड़ा लॉजिकल सा नहीं है, क्योंकि एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं कि नहीं कि एक दिन पहले मैंने ये बुक पढ़नी है, ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी मैंने ये बुक पढ़नी है, तो वो मेरे हिसाब से वो किसी को भी जमेगा नहीं। रादर आप ये कर सकते हो कि जो आप बुक पढ़ रहे हो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट का क्रक्स है। अब मे बी आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसमें हर कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक भी दिया हुआ है, तो लॉजिक कभी ICAI आपसे एग्जाम में नहीं पूछता। आपसे एग्जाम में प्रोविजंस पूछी जाती हैं, तो आप प्रोविजंस हाईलाइट कर रहे हो, और जो आपने हाईलाइट किया आप 1.5 डे पहले या एक दिन पहले आप वो चीज़ रीड करके जा रहे हो। ये नहीं है कि हाँ जी ये वन डे रिविजन बुक है, ये फास्ट ट्रैक बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है स्टडी मैट, कि आप कौन सा मटेरियल ऐसा रेफर करो कि जिससे आपकी कवरेज हो। सबसे पहले 100% कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीए फाइनल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं एक बार फेल भी हो चुका हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब तक आप 100% कवरेज नहीं करोगे आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब टीचर्स ने बना रखा है कि बुक कोई ऑथर कर दी है, उसमें जो तो मेन चैप्टर्स हैं जो ICAI पास्ट ट्रेंड के हिसाब से बार बार पूछता है वो तो इन डेप्थ कवर्ड है, बाकी जो पीछे टॉपिक्स हैं उसका सिर्फ ऊपर से बता रखा है या फिर बता ही नहीं रखा। मैंने ऐसी बहुत सारी बुक्स देखी हैं। अब लेट अस सपोज अगर हम बात करें पेपर नंबर 8 GST में, उसमें क्या है, उसमें जो असेसमेंट्स के बाद, मतलब असेसमेंट वाला टॉपिक है, डिमांड एंड रिकवरी वाला टॉपिक है, उसमें क्या है कि अभी जैसे GST की जो असेसमेंट्स हैं प्रैक्टिकली अभी शुरू नहीं हुई, तो इंस्टीट्यूट के पास भी इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है उस पर जितने फर्स्ट 8-9 चैप्टर्स हैं, जो उसमें ITC आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है।
तो मैंने ऐसी बुक्स भी देखी हैं टीचर्स की कि उसमें असेसमेंट्स वाले जो पॉइंट्स हैं वो कवर ही नहीं है, या फिर वो कवर्ड तो हैं लेकिन उतना डेप्थ में नहीं है जितना डेप्थ में एक सीए फाइनल स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है? हमारा जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। या फिर आप कोई ऐसी बुक मतलब सर्च करो या ऐसी बुक से पढ़ो जिसमें कवरेज 100% हो। मतलब अगर आपकी कवरेज 100% नहीं हो रही, आप शुरू से ही सब्जेक्ट को मतलब एक समरी के फॉर्म में या सिर्फ पास होने के फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो सीए फाइनल में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तीसरा जो पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट्स, मतलब मॉक टेस्ट देने कितने ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पढ़ के सीधा पेपर में ही एक मतलब एक लिखने बैठे हो प्रोविजंस या टेस्ट देने बैठे हो या जो भी मतलब आप आंसर लिखने बैठे हो, तो आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। ना ही आपको ये एक्सपीरियंस है कि 15 मिनट्स में मैंने पेपर कैसे रीड करना है, ना ही आपको ये एक्सपीरियंस है कि मैंने पहले कौन सा क्वेश्चन उठाना है और कौन सा मैंने लास्ट में करना है। तो ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मुझे ये लगता है कि सीए फाइनल के पेपर में एक्चुअली बैठने से पहले आपको 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए 100 मार्क्स के। उससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो वर्बली नहीं बताई जा सकती, वो आपको जब मॉक टेस्ट आप दोगे उसी इन्वायरमेंट में, आप घर पे बैठोगे एक एक दिन के गैप पे, उसी कंडीशंस में आप एग्ज़ाम लिखोगे टेस्ट लिखोगे घर पे, आपको बहुत सारी चीज़ें ये क्लियर होंगी कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने वहाँ पर नहीं करनी। उसके बाद एक मतलब कि जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो सीए फाइनल का सिलेबस है, नो डाउट आई एक्सेप्ट कि वो काफ़ी वास्ट है काफ़ी वाइड है, लेकिन आपको उस सीए फाइनल के सिलेबस को एक प्रोफेशनल की तरह आपको देखना होगा। मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब ऑब्वियसली आपने सीए फाइनल क्लियर करनी है तो पढ़ के ही करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के कोर को समझना होगा, सब्जेक्ट के बेस को समझना होगा। लेट अस सपोज अगर हम एफआर की बात करें, एफआर में आप जितने भी इंडेक्स पढ़ते हो वो सारे सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं। मतलब जहाँ पे मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इंड एस हैं वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म चलते हैं कि सब्सटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी रादर दैन जो एक्चुअल फॉर्म है। तो हर सब्जेक्ट का आपको ये एक बेस समझना पड़ेगा, एक क्रक्स समझना पड़ेगा, और क्रक्स आप तभी समझ पाओगे जब आप एक बार या दो एक बार ही मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार ही आप इन डेप्थ स्टडी करो हर सब्जेक्ट को, और उसके बाद आपके पास या तो कोई ऐसी बुक हो या फिर उसी बुक पे आपने हाईलाइट किया हो कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप एक फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर एक बार लॉजिक आपने पता कर लिया उसके बाद अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो तो आप लॉजिक आपके माइंड में रहता है, लॉजिक आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटीरियल 2000 पेजेस का है, तो वो 2000 पेजेस का इसलिए है क्योंकि जो ICAI है वो लॉजिक्स भी आपको साथ में देगा और प्रोविजंस भी उसके साथ मतलब लॉजिक्स के साथ दी हुई हैं। तो अगर आप फर्स्ट रीडिंग मारते हो, रीड करते करते ही आपको आपने प्रोविजंस हाईलाइट कर ली तो 2000 पेजेस जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग वो 500-600 पेजेस भी नहीं रहेंगे, और 500-600 पेजेस आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैनेज कर सकते हो प्रोवाइडेड आपने 3 या 4 टाइम्स रिवाइज कर रखा है। तो आप एक बात सोचो कि इंस्टीट्यूट ने आपको सीए बना के मार्केट में उतारना है, मार्केट में उतरोगे अगर आप तो मतलब अगर आप समरी या मतलब फास्ट ट्रैक या ऐसी चीज़ें आप या शॉर्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के निकलोगे तो एज अ प्रोफेशनल आपकी भी वैल्यू कम होगी। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सीए फाइनल को आपको प्रैक्टिकली पहले समझना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, उसके बाद आपको अपना उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के क्रक्स को जानना होगा, हर सब्जेक्ट का आपको बेस क्लियर होना चाहिए, लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जितनी बार सीए फाइनल है ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ याद कर लो। नो डाउट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें सीए फाइनल में अगर आप मतलब ध्यान से पढ़ो या आप ध्यान से समझो तो विद लॉजिक्स ही हैं। कुछ भी अगर लॉ में लिखा हुआ है तो वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, लॉजिक्स है हर चीज़ के पीछे, एफआर एसएफएम ऑडिट हर सब्जेक्ट्स में लॉजिक्स हैं। हाँ कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा हमें क्रैमिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्योरली लॉजिकल हैं, जैसे पेपर नंबर 5 है अपना कॉस्टिंग का पेपर है जो न्यू कोर्स का, वो कम्प्लीटली लॉजिकल है, लेकिन अभी भी कई लोग क्या कर रहे हैं वही कन्वेंशनल तरीके की तरह वो उनको न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स को एएमए पढ़ा रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के 100-100 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के 150-150 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और लास्ट
अपनी सेल्फ स्टडी पे आत्मविश्वास रखना सीखो, बिलीव करो अपनी सेल्फ स्टडी पे। कोई कोचिंग क्लासेस, मतलब ओनली कोचिंग क्लासेस आपको पास नहीं करवाएंगी, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे कॉन्फिडेंस लाना होगा। नो डाउट आपको क्लास में, अगर आप किसी रेप्यूटेड या अच्छे टीचर से क्लास लेते हो, आपको क्लास में सारे लॉजिक्स बताए जाते हैं, सारा आपको प्रोविजन के पीछे बेस बताया जाता है, प्रोविजन क्यों आई, लेकिन आपको फिर भी एक बार सेल्फ स्टडी इन डेप्थ करनी पड़ेगी। उसके बिना आप मेरे हिसाब से अगर पास भी हो जाते हो, बिना लॉजिक समझे अगर आप पास भी हो जाते हो, तो एज अ प्रोफेशनल आपकी वैल्यू मार्केट में नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए। सबसे पहले ये ABC कैटेगरी को आपको हटाना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारा कुछ आपको एलिमिनेट करना होगा। यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ फॉर CA फाइनल। सेकेंड पॉइंट कि आप मैट कौन सा चूज़ कर रहे हो। मैट आप या तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, दैट इज़ मतलब बेस्ट जो चीज़ है, और उसके बाद अगर आप किसी ऑथर की बुक के साथ जाना चाहते हो, तो आप ये मेक श्योर करना कि उसमें 100% सिलेबस की कवरेज हो। ये नहीं है कि जो पास्ट ट्रेंड में इंस्टीट्यूट टॉपिक्स पूछ रहा है, आप उस टीचर ने सिर्फ वही अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। तीसरा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर CA फाइनल एग्जाम लिखने से पहले आपको 2 या 3 उसके मॉक टेस्ट ज़रूर लिखने चाहिए। चौथा, CA फाइनल के सिलेबस को आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो मे बी आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प रहेगी। नो डाउट एकेडमिक है, आपने एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन जो CA फाइनल का सिलेबस है काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी लॉजिकल है। लास्ट, बिलीव ऑन योर सेल्फ स्टडी। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखो, क्लासेस लगाओ नहीं लगाओ नो डाउट मतलब मैटर इतना नहीं करता, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी की है और हर सब्जेक्ट को लॉजिक्स के साथ आपने पढ़ा है, तो मे बी आप किसी ऐसे बंदे से फार बेटर पोजीशन पे हो जो सिर्फ क्लासेस के दम पे या रिवीजन लेक्चर सिर्फ देख के जो एग्ज़ाम लिखने जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से CA फाइनल में काफ़ी मैटर करती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच।